नमस्कार। आज मैं आपको एक सुंदर फूलों वाले प्लांट के बारे में बताऊंगी, जिसका नाम एमाइरालिसिस है। यह एक ब्रिटिश प्लांट है और इसका बल्ब होता है, और इस बल्ब से ये बहुत ही इजीली ग्रो करता है। ये देखने में एक बहुत ही सुंदर प्लांट है। वैसे भी ये प्लांट बहुत सुंदर, पत्तियाँ इसकी बहुत खूबसूरत हैं और इसके ये फूल निकले हुए हैं, ये इसका परागकण है। ये बहुत सुंदर लग रहा है फूल, ये कमल के फूल की तरह है, बहुत सुंदर खिला हुआ है। देखने में भी ये बहुत सुंदर है, और ये जो खिला हुआ फूल है मेरे हाथ के साइज़ के बराबर का फूल बना हुआ है। एक और फूल निकल रहा है, ये बहुत ही, इसका तना जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग तना है, और इसकी पत्तियाँ, पहले मैंने बल्ब मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ से लेके आई हूँ और मैंने इसको ग्रो किया, और ये बहुत ही इजीली ग्रो हो चुका है, हो गया। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मैंने इसके फूल देखे। अब फिर मैं एक और लेके आई हूँ उनके यहाँ से, ये ऐसा जैसे हमारा प्याज होता है, प्याज की तरह ये बल्ब है। इसको मैं ऑर्गेनिक, मेरे पास मिट्टी ऑर्गेनिक ही है। वैसे आप रेत में भी इसको ग्रो कर सकते हैं, रेत में सैंड में भी ग्रो कर सकते हैं, और इसकी जो ये इस प्रकार ये तने पे ये इसी प्रकार ये फूल निकलेंगे, और जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। अब मैं आपको इसको लगाना बताती हूँ। ये मेरा गमला तैयार है, इसमें मेरी वेस्ट मटेरियल की खाद बनी हुई है। ये इस प्रकार से आप इसको इस प्रकार से रख दें, और ये ऊपर से इस बल्ब को ढक दें। थोड़ी सी मिट्टी मैं और डाल दूंगी इसके ऊपर, और ये आप देखेंगे कि ये कुछ ही दिनों में ये जो इसकी स्टेम में तना है, इसमें से ये फूल इसी प्रकार रेड कलर का फूल, एमेरलाइसिस फूल निकलेगा, जो एक ब्रिटिश फूल है और देखने में भी बहुत सुंदर है। और आप सबको बहुत ज़्यादा ये खुशी देगा, देखने में ये बहुत सुंदर है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक करें। धन्यवाद।